स्टूडेंट्स, मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली एमएड, एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूंगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लर्निंग प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि व्यवहारवाद क्या होता है, संज्ञानात्मकवाद क्या होता है और रचनावाद क्या होता है। इन तीनों ही टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम इन तीनों का कंपेरिजन भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लर्निंग का जो टॉपिक हमने एक महीने पहले डिस्कस किया था, एक्चुअली बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो लर्निंग में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके थे, हमने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, उसके बाद हमने किया था टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स यानी कि अधिगम की शैलियां, और आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। ये तीन टॉपिक हम लर्निंग के डिस्कस कर चुके थे और आज ये जो चौथा टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। तो दोस्तों, जो लर्निंग प्रोसेस है वो इन तीन पार्ट्स के अंतर्गत डिवाइड किया गया है, यानी कि व्यक्ति तीन तरह से सीखता है। जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं उनको तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये लर्निंग की थ्री प्राइमरी थ्योरीज हैं। तो जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज होंगी वो इन तीन ग्रुप के अंतर्गत ही आएंगी, यानी कि कुछ लर्निंग थ्योरीज बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आती हैं, कुछ कॉग्निटिविज्म और कुछ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज हैं, वन बाय वन उनको हम डिटेल में डिस्कस करें, उससे पहले बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह से लर्निंग की थ्री प्राइमरी थ्योरीज हैं। थ्री ग्रुप में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज हैं उनको थ्री ग्रुप, थ्री व्यूज ऑफ पॉइंट या थ्री पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। कौन कौन से थ्री पर्सपेक्टिव हैं? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इन तीनों को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि लर्निंग होती क्या है। तो लर्निंग तो वैसे मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि लर्निंग क्या होती है, सीखना या अधिगम क्या होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे व्यक्ति के व्यवहार में परमानेंट चेंज आता है, या तो थिंकिंग, फीलिंग या डूइंग ऑफ द लर्नर। व्यक्ति किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से सोचता है, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका फील करने का तरीका, काम करने का तरीका क्या है, किस तरह से वो सीखता है, जिसके आधार पर उसके व्यवहार में परमानेंट चेंजेज आता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। मैंने बताया ना कि हम तीन तरह की थ्योरीज हैं, प्राइमरी थ्री थ्योरीज हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। तो तीनों का अलग अलग अपना तरीका है कि ह्यूमन किस तरह से सीखता है, व्यक्ति किस तरह से सीखता है। बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यानी कि व्यक्ति का जो माइंड है वो ब्लैंक होता है और उसको जिस तरह का वातावरण मिलता है उसी के आधार पर वो सीखता है, यानी कि जिस तरह का उद्दीपक उसको दिया जाएगा, जिस तरह की चीजें वो देखेगा उसके प्रति उसी प्रकार का रिस्पॉन्ड करेगा। तो कॉग्निटिविज्म वाले कहते हैं कि इंटरनल प्रोसेस का बहुत ज्यादा रोल है, यानी कि व्यक्ति का जो माइंड है वो कैलकुलेट करता है कि किस तरह से सीखना है, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और कंस्ट्रक्टिविज्म वाले कहते हैं कि लर्नर्स जो होते हैं अपनी लर्निंग को खुद कंस्ट्रक्ट करके सीखते हैं, खुद बनाते हैं, खुद अपना काम खुद करके सीखते हैं, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं लर्निंग को। तो सबसे पहले हम बिहेवियरिज्म को डिस्कस करेंगे कि बिहेवियरिज्म कि जो लर्निंग थ्योरी है वो किस तरह से, बिहेवियरिज्म लर्निंग को किस तरह से डिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि बिहेवियरिज्म की शुरुआत किसने की थी, कौन थे वो जिन्होंने बिहेवियरिज्म को शुरू किया था। तो जेबी वॉटसन एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद की शुरुआत की थी, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने
ही बिहेवियरिज्म की शुरुआत की थी, जिसके कारण उनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है या फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। बिहेवियरिज्म थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, यानी कि व्यवहारवाद की हिस्ट्री क्या थी, क्या था व्यवहारवाद, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए, मैंने अभी बताया जेबी वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, तो उन्होंने ही व्यवहारवाद की शुरुआत की थी। कब की थी? 1913 में हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में उन्होंने व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म की शुरुआत की थी। और उस टाइम क्या था कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे वो सेल्फ एनालिसिस की टेक्निक को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। तो वॉटसन ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो व्यवहार होता है वो हमारी इनर और पर्सनल फीलिंग्स पर आधारित नहीं होता, वो इन्वायरमेंट के द्वारा गाइडेड होता है, यानी कि हम आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करते हैं। जैसे किसी भी स्टिमुलस के प्रति क्या रिस्पोंड करना है, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। तो उन्होंने कहा था कि इनर और पर्सनल फीलिंग्स का ज़्यादा रोल नहीं होता, हमारा व्यवहार उन पर डिपेंड नहीं होता है, हमारे इन्वायरमेंट आसपास के वातावरण से हम ज़्यादा सीखते हैं। तो इस सेट या इस स्कूल या इस इज़म यानी कि बिहेवियरिज्म की जो शुरुआत थी वो किसके अगेंस्ट में की गई थी, किसके अपोजिशन में की गई थी, क्योंकि उस टाइम स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म का ज़्यादा बोलबाला था, तो उसके ओपोजिशन में उन्होंने जो है बिहेवियरिज्म की शुरुआत की थी। देखिए, कई बार नेट सीटेट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहेवियरिज्म की शुरुआत किस सेट या किस स्कूल के अगेंस्ट शुरू की गई थी, तो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के ओपोजिशन में इसको स्टार्ट किया गया था। और अपने टाइम में ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था, बहुत ज़्यादा इसका बोलबाला था, और एक तरह से इसको सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से वाद को सेकंड फोर्स कहा जाता है साइकोलॉजी का, तो बिहेवियरिज्म को सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब वॉटसन ने एक साइकोलॉजिकल रिव्यू किया था, उसका टाइटल था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्टिक व्यू, यानी कि व्यवहारिक तौर पर साइकोलॉजी क्या है, व्यवहारिक तरीके से साइकोलॉजी को देखना, बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट से साइकोलॉजी क्या है। तो वहाँ से एक तरह से फॉर्मल बिगनिंग हुई थी बिहेवियरिज्म की, यानी कि 1930 में उन्होंने जो रिव्यू किया था उसके बाद इसकी फॉर्मल बिगनिंग हो गई थी, औपचारिक तौर से जो है व्यवहारवाद की शुरुआत हो चुकी थी। और ये जो जितने भी बिहेवियरिज्म को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट थे, तो कई बार जो थ्योरिस्ट की बात करते हैं कि कौन कौन से थ्योरिस्ट थे जिन्होंने आगे बिहेवियरिज्म पर काम किया, तो जेबी वॉटसन के बाद ई.एल. थॉर्नडाइक का नाम आता है, एडवर्ड गुथ्री, क्लार्क हल, इवान पेवलोव, बी.एफ. स्किनर, इन्होंने भी काफ़ी काम किया है व्यवहारवाद पर। इन सभी की, ई.एल. थॉर्नडाइक की अपनी इंडिपेंडेंट थ्योरी दी है इन्होंने, एडवर्ड गुथ्री की भी थ्योरी है, क्लार्क हल की, इवान पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग है, बी.एफ. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, तो इन सब की अपनी अलग अलग थ्योरीज भी हैं जो कि व्यवहारवाद से इन्फ्लुएंस है। उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी हैं। तो कौन कौन से थ्योरिस्ट थे जो कि व्यवहारवाद से प्रभावित थे? ई.एल. थॉर्नडाइक, एडवर्ड गुथ्री, क्लार्क हल, इवान पेवलोव और बी.एफ. स्किनर, ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, आगे इन्होंने बिहेवियरिज्म को बढ़ाया है। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद की शुरुआत किस तरह से हुई थी। अब हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरिज्म थ्योरी, क्या है बिहेवियरिज्म थ्योरी। As per theory of behaviorism, our behavior is determined by external stimulus. Behaviorism focuses on the idea that all behaviors are learned through interaction with the environment. This learning theory states that behaviors are learned from the environment and says that innate or inherited factors have very little influence on behavior. In the classroom, द बिहेवियर लर्निंग थ्योरी इसकी इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मोटिवेट एंड हेल्प स्टूडेंट्स। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टीचर्स टू लर्नर्स फ्रॉम अ रिस्पॉन्स टू द राइट स्टिमुलस। स्टूडेंट्स आर अ पैसिव पार्टिसिपेंट इन बिहेवियर लर्निंग,
टीचर्स आर गिविंग देम द इंफॉर्मेशन एज एन एलिमेंट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। देखिए व्यवहारवाद की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि हमारा जो बिहेवियर है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के द्वारा डिटरमाइंड होता है। देखिए स्टिमुलस का मतलब कोई भी बाहरी चीज, कोई भी बाहरी उद्दीपक, उद्दीपक हम इसको हिंदी में कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, उसके द्वारा यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के द्वारा डिटरमाइंड होता है। और बिहेवियरिज्म पर फोकस करने वाले जो थ्योरिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो भी व्यवहार होता है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होकर व्यक्ति ज़्यादा सीखता है, अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, बजाय कि इननेट या इनहेरिटेड फैक्टर्स यानी कि उसके जो जन्मजात फैक्टर्स होते हैं, जो उसको विरासत में मिले होते हैं, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता उसके व्यवहार पर, बल्कि जिस तरह का उसको वातावरण मिलेगा उसके साथ वो इंटरेक्ट होकर उसी प्रकार का व्यवहार करता है। तो क्लासरूम में अगर बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी की बात करें तो कि बच्चा किस तरह से सीखता है, उसको जिस तरह से मोटिवेट किया जाता है, जिस तरह से उसको रीइंफोर्स किया जाता है यानी कि किस तरह से उसको प्रोत्साहित किया जाता है, किस तरह से उसको अभिप्रेरित किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी लर्निंग होती है। तो क्लास में जो टीचर होती है वो किस तरह से बच्चों को इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर करती है, यानी कि सबसे पहले कोई भी राइट स्टिमुलस उनको दिया जाता है उसके प्रति सही प्रतिक्रिया बच्चे करें, वो प्रतिक्रिया कैसे करेंगे उसको, उसके लिए मोटिवेट किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है, उसके लिए बच्चा रेपिटेशन करता है, बार बार प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो बिहेवियरल थ्योरी जो है उसमें जो स्टूडेंट्स का रोल एक तरह से पैसिव होता है, क्योंकि उनको जिस तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है उसी प्रकार से वो उसको ग्रहण करते हैं। तो टीचर का रोल अहम होता है, स्टूडेंट का एक तरह से पैसिव पार्टिसिपेंट का हम कह सकते हैं कि रोल होता है, बहुत ही पैसिव रोल होता है उसका, उसका ज़्यादा एक्टिव वाला रोल नहीं होता। देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स किस तरह से काम करता है, स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स किस तरह से किया जाता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को समझने के लिए यहाँ एक एग्जांपल हम लेते हैं। और एग्जांपल हमने लिया है किस चीज का, एल्जेब्रा से रिलेटेड एक एग्जांपल हमने लिया है, यानी कि एक टीचर है जिसने बच्चों को कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी हैं सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की, यानी कि एल्जेब्रा मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। तो स्टिमुलस क्या होगा, स्टिमुलस वो होता है जो प्रॉब्लम बच्चों को दी जाती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बच्चों को दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यानी कि टीचर ने जो भी प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम्स बच्चों को दी है वो है स्टिमुलस। अब रिस्पॉन्स क्या होगा, बच्चे जो है उसका करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड किस तरह से करेंगे, वो उसके प्रति किस प्रकार से रिस्पॉन्स करेंगे, वो हुआ रिस्पॉन्स। तो लर्निंग कैसे हुई, यानी कि टीचर ने जो प्रॉब्लम दी बच्चों ने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बार बार प्रैक्टिस की, रेपिटेशन किया, उसके बाद उन्होंने उसका करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके प्रति जो भी प्रतिक्रिया की जाती है वो होता है रिस्पॉन्स। लर्निंग क्या होती है, यानी कि बच्चे ने किस तरह से सीखा, बार बार प्रैक्टिस के द्वारा उन्होंने उस चीज को सीखा है। तो बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या कहती है कि स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू लर्निंग, यानी कि स्टिमुलस के प्रति किस प्रकार से उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म थ्योरी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आती हैं, जो कि बिहेवियरिज्म से इन्फ्लुएंस है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो टोटली बिहेवियरिज्म से इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो दी गई है इवान पावलोव के द्वारा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई है। कनेक्शनिज्म थ्योरी जो दी गई है ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा, इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सोशल लर्निंग थ्योरी जो दी गई है बंडूरा के द्वारा। तो कई बार क्या होता है, नेट या सीटेट में कोई भी आपको या तो एक थ्योरी दे दी जाती है कि ये थ्योरी किस इज्म से रिलेटेड है, या कई बार किसी थ्योरिस्ट का नाम दे दिया जाता है, किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम दे दिया जाता है, जैसे इवान पावलोव का आपको नाम दे दिया कि वो किस वाद से इन्फ्लुएंस थे, बिहेवियरिज्म से, कॉग्निटिविज्म से या कंस्ट्रक्टिविज्म से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से थ्योरिस्ट और कौन कौन से थ्योरीज बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आती हैं, और इन सभी थ्योरीज को हम वन बाय वन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो उन थ्योरीज को करने से पहले बहुत जरूरी था आपको इन तीनों इजम्स के बारे में जानना। नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे, या हम एडवांटेजेस या प्रोज भी कह सकते हैं, यानी कि इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज की इन द बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी, यानी कि
सकारात्मक पुनर्बलन हम हिंदी में कह सकते हैं। देखिए रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है बच्चे को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। उसको अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है तो वो बहुत अच्छे से सीख पाता है। सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा का बहुत ज़्यादा रोल होता है। बच्चे को जिस तरह से मोटिवेट किया जाएगा, जिस डायरेक्शन में उसको मोटिवेट किया जाएगा, उधर उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से होगी। ये मानते हैं बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज वाले, यानी कि व्यवहारवाद की थ्योरी है, वो कहती है कि पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट और मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। इसके अलावा कुछ वीकनेसेस भी हैं इसकी, क्या क्या है। एक तो ये टीचर सेंटर्ड है, बच्चे पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, यानी कि टीचर का ज़्यादा रोल होता है। जिस तरह से टीचर स्टिमुलस देती है बच्चे को, उसी प्रकार से रिस्पोंड करना होता है। सेकंड पॉइंट है कि इग्नोर थॉट प्रोसेस एंड इमोशंस, यानी कि बच्चे की थॉट प्रोसेस और इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। वो कहते हैं कि नहीं, बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण से ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेपिटेशन मे बिकम बोरिंग, क्योंकि इसमें बच्चा स्टिमुलस के प्रति रिस्पोंड करते टाइम बहुत बार प्रैक्टिस करता है, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से बच्चा बोर हो जाता है, यानी कि रेपिटेशन बहुत अच्छा नहीं होता, बोरिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट है लिटल और नो इनपुट फ्रॉम लर्नर्स। लर्नर्स का जो रोल होता है वो एक तरह से पैसिव का होता है, क्योंकि टीचर जिस तरह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है वो उसी तरीके से उसको ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, यानी कि इस थ्योरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम इस थ्योरी को समराइज करते हैं, इस थ्योरी के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये थ्री प्राइमरी जो लर्निंग थ्योरीज हैं कौन कौन सी हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, इनमें से एक मेन थ्योरी है। और जो बिहेवियरिज्म जो थ्योरी है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस करती है, यानी कि बच्चा जो है जिस तरह से उसको स्टिमुलस दिया जाता है उसके प्रति वो व्यवहार करता है, उसके प्रति वो रिस्पोंड करता है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर आधारित है। और ये जेबी वॉटसन के द्वारा 1913 में दी गई थी। कुछ की पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के लिए। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया बिहेवियरिज्म को, यानी कि व्यवहारवाद क्या होता है, बिहेवियरिज्म की हिस्ट्री, बिहेवियरिज्म थ्योरी क्या होती है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कौन कौन सी थ्योरीज बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आती हैं। तो इन सब पॉइंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, नाउ वी विल डिस्कस कॉग्निटिविज्म, यानी कि संज्ञानात्मकवाद क्या होता है। तो इसमें हम कॉग्निटिविज्म थ्योरी को डिस्कस करेंगे, क्या होती है कॉग्निटिविज्म थ्योरी। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉग्निटिविज्म थ्योरी। Cognitivism is a learning theory that focuses on how information is received, organized, stored, and retrieved by the mind. It uses the mind as an information processor, like a computer. Therefore, cognitivism looks beyond observable behavior, viewing learning as internal mental process. In this view, learners are actively involved in the way they process information. Knowledge, memory, thinking, and problem solving are areas for the development. Cognitivism एक learning theory है, यानी कि संज्ञानात्मकवाद जो है एक सीखने का सिद्धांत है, जो इस बात पर focus करता है कि हमारा जो mind है वो information को किस तरह से receive, organize, stored और retrieved करता है। तो ब्रेन की तुलना एक तरह से कंप्यूटर से की जाती है, यानी कि कंप्यूटर में जिस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले डेटा इनपुट किया जाता है, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। उसी प्रकार से हमारा ब्रेन भी पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है और फिर उसके बारे में आउटपुट देता है। तो कॉग्निटिविज्म जो है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस नहीं करता, वो कहता है कि जो लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के द्वारा नहीं होती। लर्निंग तो पूरा एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस होता है, जिसमें जो लर्नर्स होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, उनका अहम रोल होता है। तो इस थ्योरी के जो डेवलपमेंटल एरियाज हैं, यानी कि इस थ्योरी में किस बात पर फोकस किया जाता है, तो वो है नॉलेज, मेमोरी, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन चीजों पर इस थ्योरी में ज्यादा फोकस किया गया है। तो कॉग्निटिविज्म यानी कि संज्ञानात्मकवाद जो है बिहेवियरिज्म को रिजेक्ट करता है। वो कहते हैं कि बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि भाई जो लर्निंग होती है वो सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के द्वारा होती है। व्यक्ति जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के द्वारा सीखता है, उसके सामने कोई स्टिमुलस दिया जाता है उसके प्रति वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इस तरह से वो सीखता है। लेकिन कॉग्निटिविज्म जो थ्योरी है वो ये कहती है कि ये पूरा एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस होता है, तो व्यक्ति को इसकी समझ होना, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, तभी लर्निंग हो सकती है।
Now we will discuss what is the history of cognitivism, यानी कि cognitivism की history क्या है। देखिए cognitivism theory का development behaviorism के against 1950 में शुरू किया गया था, क्योंकि जो cognitivists थे उन्होंने objection उठाया था behaviorists के against, यानी कि जो व्यवहारवादी थे उनके against उन्होंने objection उठाया था, क्योंकि व्यवहारवादियों का मानना था कि learning सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कारण होती है, यानी कि उद्दीपक के प्रति क्या प्रतिक्रिया की जाती है, ये व्यक्ति जो है अपने बाहरी वातावरण से सीखता है, अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट होकर सीखता है, उन्होंने इन्वायरमेंट पर फोकस किया है और थिंकिंग को एक तरह से उन्होंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन जो कॉग्निटिविस्ट हैं यानी कि जो संज्ञानात्मक वादी हैं वो कहते हैं कि नहीं, थिंकिंग का अहम रोल होता है, क्योंकि लर्निंग जो है पूरा एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस होता है। हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है, तो लर्निंग जो है थिंकिंग से रिलेटेड है। और इस में जो रिसर्चर थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था इस लर्निंग थ्योरी को डेवलप करने में, तो उनमें ब्लूम, आसूबेल और प्याजे का तो सबसे अहम रोल है। उन्होंने जो है कॉग्निटिविज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अब हम देखेंगे कि कॉग्निटिविज्म के अंतर्गत कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं, यानी कि ये एक स्कूल है, सेक्ट है, इज्म है, तो कॉग्निटिविज्म के अंतर्गत और कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी, यानी कि इसको इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, जो दी है मैक्स वर्दाइमर ने। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, जो दी है जॉर्ज मिलर के द्वारा। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जीन प्याजे के द्वारा दी गई है। कंडीशंस ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट गेने के द्वारा दी गई है। और सबसम्पशन थ्योरी जो है डेविड आसूबेल के द्वारा दी गई है। तो ये कुछ थ्योरिस्ट हैं और ये कुछ थ्योरीज हैं जो कॉग्निटिविज्म के अंतर्गत आते हैं। जो मैंने थ्योरीज बताई उनसे रिलेटेड जो थ्योरिस्ट हैं वो भी कॉग्निटिविज्म के अंतर्गत आते हैं। तो कभी आपसे थ्योरी पूछ ली जाती है कि मान लो आपको दे दिया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, कौन से वाद के अंतर्गत आती है, कॉग्निटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म या बिहेवियरिज्म, तो आप बता सकते हैं ये कॉग्निटिविज्म के तहत आती है। और कभी आपसे किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम दे दिया जाता है, जैसे डेविड आसूबेल का दे दिया, पूछ लिया जाता है कि इन्होंने किस चीज को बढ़ावा दिया था, कॉग्निटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म या बिहेवियरिज्म, तो ये कॉग्निटिविज्म से रिलेटेड है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिविज्म की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे, या हम प्रोज भी कह सकते हैं या एडवांटेजेस भी कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि समझ को विकसित करती है। डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का डेवलपमेंट करती है। प्रमोट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी को प्रमोट करती है। इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती है। अब हम देखेंगे इसकी वीकनेसेस क्या क्या है या इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, द लर्नर लर्न्स अ वे टू अकम्प्लिश अ टास्क बट इट मे नॉट बी द बेस्ट वे और सूटेड टू द लर्नर और द सिचुएशन। देखिए कोई भी लर्नर जो है किसी काम को पूरा करने का एक तरीका सीखता है, तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यही बेस्ट वे है। ये डिपेंड करता है लर्नर की सिचुएशन पर कि उसको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। किसी को रेपिटेशन या प्रैक्टिस के द्वारा काम करना अच्छा लगता है, किसी को किसी दूसरे तरीके से सीखना अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल, लॉगिंग ऑन टू द इंटरनेट ऑन वन कंप्यूटर मे नॉट बी द सेम एज लॉगिंग इन ऑन अनदर अकाउंट। देखिए हर कंप्यूटर में जब हम इंटरनेट के द्वारा लॉग इन करते हैं तो हर एक में लॉग इन करने का तरीका अलग होता है, किसी में भी सेम नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बेस्ट मेथड है, हर एक का अपना सीखने का अलग तरीका हो सकता है। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया कॉग्निटिविज्म थ्योरी क्या होती है, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि रचनावाद क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टिविज्म सेज दैट पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद कहता है कि लोग दुनिया की समझ और ज्ञान का निर्माण अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा यानी कि अपने अनुभवों के द्वारा सीखते हैं और उन अनुभवों पर दोबारा से चिंतन करते हैं कि जो अनुभव हमने लिए हैं, जो एक्सपीरियंसेस हमने लिए हैं वो सही हैं कि नहीं, यानी कि अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं एक्सपीरियंसेस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ लर्निंग स्ट्रेटेजी,
दैट ड्रॉज ऑन स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज बिलीफ्स एंड स्किल्स। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म एक लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है, एक सीखने की रणनीति होती है जो डिपेंड करती है बच्चों की नॉलेज बिलीफ्स और उनकी स्किल्स के आधार पर, जो उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज उनके बिलीफ्स और उनकी स्किल्स क्या है, उनकी क्षमताएं क्या है, उन पर डिपेंड करती है कि वो आगे क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच स्टूडेंट्स सिंथेसाइज न्यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रियर लर्निंग एंड न्यू इंफॉर्मेशन। देखिए एक रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी प्रीवियस लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को न्यू इंफॉर्मेशन और लर्निंग से जोड़ने की कोशिश करते हैं, सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कंस्ट्रक्टिविज्म से पहले एजुकेशन वर्ल्ड में बिहेवियरिज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, यानी कि व्यवहारवाद पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। और ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टर्म है इसको क्वाइंड किया था, यानी कि इसको ढूंढा था जिम बटिस्टा, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस टर्म को ढूंढा था। और 19th century के मध्य यानी कि लगभग 1930-40 के आसपास USA के जो पब्लिक एजुकेटर्स थे उनके बीच में जो है कंस्ट्रक्टिविज्म एक लीडिंग प्रस्पेक्टिव के रूप में देखा जा रहा था। उस समय जो है ये अपने लीडिंग रोल में थी, कंस्ट्रक्टिविज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। अब अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो टर्म है क्या वो एक नया आइडिया है या पहले से ही था, तो हो सकता है कि सुकरात के टाइम में भी वो टर्म थी, कंस्ट्रक्टिविज्म पर बात हुई है और रचनावाद शब्द को देखा गया है उस टाइम भी। लेकिन जो ये थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म, ये हाईलाइट हुई थी प्याजे की कॉग्निटिविज्म थ्योरी के बाद, यानी कि प्याजे की जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ थ्योरी है उसके डेवलपमेंट के बाद ही ये हाईलाइट हुई थी। आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म पर फोकस किया है। तो सबसे पहले जेरोम ब्रूनर, उन्होंने कहा है कि जो लर्नर होता है वो अपनी पास्ट नॉलेज को करंट नॉलेज से जोड़ता है, उसके द्वारा नए नए आइडियाज को सीखता है। लर्निंग एक ऐसा एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि अपनी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ने की कोशिश करता है। ले वाइगोत्स्की, जिन्होंने लर्निंग की सोशल एस्पेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, साथ ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल लर्निंग पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब हम वाइगोत्स्की थ्योरी करेंगे, तब मैं इसको आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल लर्निंग क्या होती है इसको डिटेल में मैं समझाऊंगी। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स का जो एक्चुअल लेवल होता है डेवलपमेंट का, उसके अलावा उसका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट का लेवल होता है उसके द्वारा वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, इस चीज़ पर फोकस किया गया है। देखिए कहीं ना कहीं जीन प्याजे का रोल भी आता है कंस्ट्रक्टिविज्म में, हालांकि इनका अहम रोल रहा है कॉग्निटिविज्म में, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इनका नाम जो है कंस्ट्रक्टिविज्म में भी आता है। इसके अलावा जॉन डीवी का भी नाम आता है कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो ये कुछ मेन थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म में अपना अहम रोल अदा किया है, जेरोम ब्रूनर, ले वाइगोत्स्की, जीन प्याजे और जॉन डीवी। आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड, यानी कि रचनावाद से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। तो इसमें जो है केस स्टडी, यानी कि केस स्टडी में व्यक्ति अपनी जो है पूरा केस स्टडी को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ग्रुप वर्क, डिस्कवरी लर्निंग, सिमुलेशन, तो इनमें क्या होता है ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें व्यक्ति अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्निंग की फेजेस क्या क्या होती हैं। तो फेजेस को 5 E's के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, कौन कौन सी है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबरेट और इवेल्युएट। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है इंगेज, उसमें क्या होता है, इस स्टेज का मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्र को इंगेज रखा जाता है ताकि वो अपने लेसन में रुचि ले और उसको व्यक्तिगत रूप से उस लेसन को समझे सीखे। नेक्स्ट फेज होती है एक्सप्लोर, देखिए इस स्टेज में क्या होता है, छात्र को इस तरह से विषय में शामिल किया जाता है ताकि वो अपनी समझ को और ज्यादा विकसित कर सके, अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन, इसमें जो है छात्र को मौका दिया जाता है कि उसके पास जो भी नॉलेज है उसको वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, संप्रेषित कर सके, उसको अवसर प्रदान किया जाता है कि वो उसको एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट है एलोबरेट, देखिए एलोबरेट का मतलब होता है और विस्तृत करना, मतलब उसको मौका दिया जाता है बच्चे को या लर्नर को मौका दिया जाता है ताकि वो अपने ज्ञान को और ज्यादा एलोबरेट कर सके, और ज्यादा विस्तृत रूप में उसको खुलकर वो उस चीज पर बोल सके। नेक्स्ट है इवेल्यूट, देखिए लास्ट में इवेल्यूशन किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना सीखना या समझना हुआ है, उसका इवेल्यूशन किया जाता है।
आइए अब हम देखते हैं कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में। तो स्पेरियल करिकुलम और डिस्कवरी लर्निंग की जो थ्योरी है वो दी गई है जेरोम ब्रूनर के द्वारा। इसके अलावा सोशल लर्निंग थ्योरी और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। आइए अब हम देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे कि इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, फ्री फ्लोइंग। देखिए बच्चा जो है खुलकर सीखता है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। मोस्ट मेमोरेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत ही मेमोरेबल होते हैं, याद रहते हैं। कम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस। देखिए जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसके खुद के पर्सनल होते हैं, उनकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग। देखिए स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है मचान प्रदान करना, बेस तैयार करना, तो एक तरह से मचान का काम करती है, यानी कि मचान प्रदान करती है। ग्रुप इन्वॉल्वमेंट होता है। अलाउ स्टूडेंट्स टू ड्रॉ देयर ओन पर्सनल कंक्लूजन्स एंड ओपिनियंस। स्टूडेंट्स को छूट होती है कि वो अपने पर्सनल ओपिनियन और कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, दे सकते हैं। अलाउ स्टूडेंट्स टू क्रिएट देयर ओन नॉलेज। स्टूडेंट्स को परमिशन होती है कि वो अपनी नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। हर एक के साथ इंटरेक्ट हो सकता है, टीचर अपने साथी लोगों के साथ वो इंटरेक्ट हो सकता है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। स्टूडेंट आर ऑलवेज मूविंग एंड एक्टिव, नॉट जस्ट सिटिंग एट अ डेस्क ऑल टाइम। देखिए इसमें स्टूडेंट्स बहुत ही एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो खुद अपनी चीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, वो पैसिव नहीं होते जैसे कि बिहेवियरिज्म में होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की। फर्स्ट पॉइंट, हार्ड टू रिलेट टू न्यू सब्जेक्ट इफ देर इज नो प्रियर नॉलेज। देखिए अगर कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है बच्चे को तो उसको नए सब्जेक्ट से जुड़ने में बड़ी कठिनाई होती है, यानी कि पूरा ज्ञान अगर किसी सब्जेक्ट का नहीं है तो वो नए सब्जेक्ट से जुड़ना बहुत मुश्किल होता है उस बच्चे के लिए। Some students may not have the ability to work well with other students or in groups. देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं introvert type के, यानी कि अंतर्मुखी होते हैं, वो group में काम करना पसंद नहीं करते, उनमें वो ability नहीं होती है कि वो group में काम कर सकें। Next point, teacher may have difficulty keeping control of the behavior and noise level of the classroom. क्योंकि फ्री फ्लोइंग लर्निंग होती है, बच्चा अपने तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है, तो नेचुरल है कि क्लास में शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो टीचर को डिफिकल्टी हो सकती है क्लास को कंट्रोल करने में, बच्चों की बिहेवियर को कंट्रोल करने में। तो दोस्तों ये थी कुछ डिसएडवांटेजेस कंस्ट्रक्टिविज्म की। अब हमने तीनों ही थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस किया है वन बाय वन। अब हम तीनों ही थ्योरीज को कंक्लूड करते हैं, यानी कि बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को कंक्लूड करके हम क्या कह सकते हैं कि बिहेवियरिज्म कहता है कि हमारा जो व्यवहार है या हमारे व्यवहार में चेंजेज आता है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के एसोसिएशन के द्वारा आता है, यानी कि इन्होंने बाहरी व्यवहार पर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस किया है। कॉग्निटिविज्म कहता है, यानी कि कॉग्निटिविज्म की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो लर्निंग होती है वो इंटरनल मेंटल प्रोसेस पर डिपेंड करती है, और कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है वो कहती है कि हमारी जो नॉलेज है वो हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के द्वारा आती है, उसके द्वारा हम अपनी नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन, यानी कि बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बिहेवियरिज्म को देखते हैं, इसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, यानी कि लर्निंग किस तरह से होती है। तो इसमें जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर फोकस किया जाता है, व्यक्ति के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस किया जाता है, व्यक्ति जो है ऑब्जर्व करके सीखता है। कॉग्निटिविज्म में किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोसेस हो रही है और जो है लर्नर किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी कि इंटरनल मेंटल प्रोसेस पर फोकस किया जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म में किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, लर्नर जो है किस तरह से इंटरप्रेट करता है न्यू इंफॉर्मेशन को और रियल जगत में उसको किस तरह से अप्लाई करता है, यानी कि किस तरह से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के द्वारा। बिहेवियरिज्म में लर्नर जो होता है रिएक्टिव रहता है, यानी कि पैसिव रहता है, टीचर का ज़्यादा रोल रहता है। कॉग्निटिविज्म में लर्नर प्रोएक्टिव रहता है, एक्टिव रहता है, इसमें भी लर्नर का बहुत अहम रोल होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो बिहेवियरिज्म में सिर्फ डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाता है, यानी कि जैसे सिखाया जाता है बच्चा उसी तरह से उसको रिकॉल करता है।
इसमें जो है कॉग्निटिविज्म में जो लर्निंग होती है वो हायर लेवल की रीजनिंग और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है और इसमें मेमोरी और ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म में अगर हम लर्निंग की बात करें किस तरह की लर्निंग होती है तो हायर लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल एनालिसिस पर फोकस किया जाता है और जो भी एनालाइज किया जाता है उसको रियल वर्ल्ड से जोड़ने की कोशिश की जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स यानी कि बिहेवियरिज्म में जो मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें लेक्चर, ड्रिल, रोट लर्निंग, मल्टीपल चॉइस टेस्ट आदि को यूज किया जाता है और ये इंस्ट्रक्टर बेस्ड होती है यानी कि टीचर का ज़्यादा रोल रहता है। कॉग्निटिविज्म भी इंस्ट्रक्टर बेस्ड होती है यानी कि उसमें भी टीचर का ज़्यादा रोल रहता है लेकिन जो लर्नर होता है वो भी एक्टिव रहते हैं। इसमें मेथड्स जो है लेक्चर, विजुअल टूल्स का प्रयोग किया जाता है जैसे माइंड मैप, चार्ट आदि की फैसिलिटी उनको दी जाती है ताकि किसी कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर सके। मल्टीपल चॉइस और इजी असेसमेंट का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, डिस्कवरी और कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स यूज्ड टू मूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिवली टूवर्ड्स स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रेटर इंडिपेंडेंस इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि एक तरह से बच्चे के लिए मचान का काम करती है स्कैफोल्डिंग यानी कि उसका बेस मजबूत हो सके इस तरह की टेक्निक्स उसको प्रोवाइड की जाती हैं। सेल्फ गाइडेड लर्निंग बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसको अपने आप लर्निंग कर सके, अपने आप सीखे इस तरह से उसको गाइड किया जाता है। और नेक्स्ट है पीयर ग्रेडिंग यानी कि साथी लोगों के द्वारा भी ग्रेड बच्चे को दिए जाते हैं और ये स्टूडेंट फोकस्ड होती है यानी कि बच्चे का अहम रोल होता है इसमें, टीचर का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लर्निंग की जो थ्री प्राइमरी थ्योरीज हैं बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म को डिस्कस किया, साथ ही हमने तीनों में कंपैरिजन भी किया, तीनों में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हमने डिस्कस किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो टॉपिक है आज की जो वीडियो में हमने डिस्कस किया है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।